శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగవృధానుగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. ప్యారే మిత్రో, జయ శ్రీరామ్, జయ మాతాది. మిత్రో, ఆజ్ హమ్ ఆప్సే చర్చా కర్తే హై కి హమారే సనాతన ధర్మ మే అనేకానేక ప్రకార కే పత్తో కా ప్రయోగ కియా జాతా హై. ఆజ్ హమ్ ఆప్సే బాత్ కరేంగే కేలే కే పత్తే పర్ धार्मिक कार्य करते समय हम उसका प्रयोग करते हैं, तो क्यों और कैसे इसको प्रयोग में लाया जाता है, आइए इसी पे चर्चा करते हैं. केले का जो पेड़ होता है काफ़ी पवित्र माना जाता है. भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले के पत्ते पर ही भोग लगाया जाता है. केले के पत्तों में प्रसाद भी बांटा जाता है और माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले की पेड़ की पूजा भी की जाती है. केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली और शरीर के अंदर मांस इत्यादि बढ़ाने को, नेत्र दोष को दूर करने में हितकारी होता है, लाभकारी होता है. जब भी हम कोई मंडप बनाते हैं, कोई कथा का पंडाल बनाते हैं या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो हम लोग केले के पेड़ का ही प्रयोग करते हैं. केले का पेड़ अर्थात भगवान विष्णु का एक स्वरूप माना गया. माताएं, बहनें, भाई, जब बृहस्पतिवार के दिन अर्थात जो वीरवार होता है उस दिन केले के पेड़ के पास में जा करके और केले के पेड़ की पूजा की जाती है. जिन बहनों का विवाह नहीं होता है उनको भी केले की पेड़ की पूजा करनी चाहिए. और इसके साथ साथ में अगर हम आपसे बात करें तो जब भी कोई कथा पंडाल मंडप बनाया जाता है, भगवान विष्णु का पूजन होता है, तो वहाँ पर केले के खम्भ भी लगाए जाते हैं. अर्थात वह स्थान भगवान विष्णु का पूजा का स्थान बनाया जा रहा है और भगवान विष्णु को और देवी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है ये केले का पेड़. तो मित्रों, आज जो हमने आपसे चर्चा की है कि केले का पेड़ हमारे सनातन धर्म में क्यों पूज्य है, क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्यों मान्य है, तो सीधा सा कारण यही है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा इस केले के पेड़ से प्राप्त होती है. और हर व्यक्ति आज के समय में लक्ष्मी को, यश को, कीर्ति को, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, तो निसंदेह आप भी केले के पेड़ का पूजन करेंगे. और सनातन धर्मावलंबी हैं अगर आप, तो निसंदेह केले का जो भगवान विष्णु का पूजन, जो सत्यनारायण जी की कथा होती है उसमें भी आपने देखा होगा कि केले का फल और केले का पत्ता लगाया जाता है पूजा में. तो यही सारे विधान हैं कि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है. जब विष्णु को अत्यधिक प्रिय है तो जहाँ पर विष्णु आएंगे वहाँ पर लक्ष्मी भी आती है. इसलिए आप सभी लोग भी केले के पत्ते का प्रयोग शुभ कार्यों में करें, पूजन में करें, भगवान विष्णु के पूजन में करें. आप सभी का जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो. पुनः मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. जय माता दी, जय माता दी.